तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं यहाँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप्स की पुकार में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों, क्या आप लोग अपने फ़ोन को जीवन भर के लिए जो है छुपा कर रखना चाहते हैं। यानी दोस्तों, होता क्या है कि हम चाहे हमारी गर्लफ्रेंड हो या फिर बॉयफ्रेंड, ठीक है, हम क्या करते हैं, उसके फ़ोटो को अगर हम गैलरी में अपने रख देते हैं तो होता क्या है दोस्तों कि वो गैलरी का फ़ोटो अगर कोई भी हमारा फ़ोन लेगा तो वो हमारे गैलरी में जाकर चेक करेगा तो उसे फ़ोटो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, वही हम आपको आज बताएंगे कि आप लोग जीवन भर के लिए अपने फोन, सॉरी यहाँ पर फोटो को जो है ना, अपने जो है यहाँ पर जो आपका यहाँ पर रियल वाला कैलकुलेटर होता है ना, इसमें दोस्तों आप लोग अपने फोटो को छुपा कर रख सकते हैं, वो भी दोस्तों आप लोग जो है आजीवन, ठीक है। आपको जब मन करेगा पासवर्ड खोलिएगा, आप लोग अपने फोटो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप लोग इस तरीके से यहाँ पर जो है छुपाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से जो है आप लोग अपने फोटोज को जो है यहाँ पर छुपा सकते हैं। और दोस्तों, कोई भी बंदा पता ही नहीं कर पाएगा कि आप फोटो को कहाँ पर हाइड करके रखे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है और दोस्तों आप लोग को ध्यान से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि दोस्तों कुछ लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं ना, तो ऐसे में दोस्तों वो लोग नहीं देख पाते। तो आज हम आपको बताएंगे कैसे आप लोग कैलकुलेटर में जो है अपने जो आपका यहाँ पर आपका फोटो होता है, ठीक है, पर्सनल फोटो कैसे आप लोग उसे हाइड करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो को लाइक करके एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या होगा, फोटो को हाइड करने के लिए सबसे पहले आपको मैं जैसे बताऊंगा बिल्कुल आप लोग वैसे ही करिएगा। आपको सिंपल करना क्या है, अपने सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग्स को ओपन करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर में सर्च बार का ऑप्शन है, आपको इस पर टैप करना है। एंड दोस्तों, जैसे आप लोग यहाँ पर टैप करते हैं कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आने के बाद आपको लिखना है कैलकुलेटर, ठीक है, CAL, ठीक है, कैलकुलेटर, ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिख देना है कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अभी आप लोगों में नहीं आएगा तो यहाँ से बैक आ जाएगा। एंड दोस्तों, बैक आने के बाद सीधे आपको अपने कैलकुलेटर को ही ओपन कर लेना है, ठीक है। कैलकुलेटर को ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब ऊपर में दोस्तों आपको थ्री लाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर थ्री डॉट का, यहाँ पर आपको टैप कर देना है। यहाँ पर टैप करेंगे, हिस्ट्री का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आपका रियल वाला कैलकुलेटर है। अब दोस्तों यहां पर क्या करना है, इसे दोस्तों इस तरीके से आपको यहां पर लाकर कहीं एक जो है ऐप में इस तरीके से यहां पर छुपा दीजिएगा, ठीक है, जो यहां पर आप लोग टूल्स बनाए रहते हैं, ठीक है। यहां पर दोस्तों हमारा देख सकते हैं जो कैलकुलेटर है वो हमें यहां पर अभी जो है देखने मतलब जो है नहीं दिखेगा, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं, थोड़ा सा दोस्तों यहां पर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो है हम कहीं इसे एक बार जो है हाइड कर देते हैं तो यहां पर देख सकते हैं हमें जो है कहीं पर भी नहीं देखने को मिल रहा है। अब हम सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, हमें एक जो है एप्लीकेशन की मदद लेनी होगी, जो दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाएगी। उस जो है एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से वो एप्लीकेशन ओपन होगा। अभी दोस्तों इसका नेम क्या है मैं आपको बता दूंगा, बस आप लोग ध्यान समझिएगा। जब आप लोग दोस्तों फर्स्ट बार ओपन करेंगे तो यहां पर दोस्तों हम जो है क्या करते हैं, इससे पहले क्लियर ऑल डेटा करते हैं दोस्तों। यहां पर मैं आपको बता दूं, इसे मैं यूज कर लेता हूं तब आपको बताता हूं, ताकि आप लोग के साथ कोई गलत ना हो सके, ठीक है, या फिर आप लोगों में जो है ये मतलब अच्छे से वर्क करता है या फिर नहीं, ये मैं पूरा जो है यहां पर गारंटी के साथ करता हूं आप लोगों में वर्क करेगा, क्योंकि दोस्तों मेरे फोन में वर्क किया है तो आप लोगों में भी जरूर वर्क करेगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों हम क्या करते हैं, अब हम इसे जो है यहां से ओपन करेंगे। तो जब हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहां पर आ जाएंगे। अब यहां पर आने पर एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें, जैसा कि देख सकते हैं। यहां पे दोस्तों आपको सीधे करना क्या होगा, यहां पर एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, आपको यहां पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन आएगा, तो आपको अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोबारा से आपको यहाँ पर जो इस तरीके से आ जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद अब आपको जो है अपना एक पासवर्ड बनाना है। तो जो है दोस्तों आपको अपना अपने हिसाब से पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस तरीके से अपना एक जो है यहाँ से पासवर्ड बना लेना है एंड प्लस के ऑप्शन पर क्लिक यहाँ पर जो है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे दोस्तों आने के बाद अब आपको यहाँ पर आ रहा है, तो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके टैप टू बटन हाइड फोटो, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको फोल्डर का ऑप्शन आएगा, कैमरे का और फोटो का। तो अब जो है दोस्तों आपको यहाँ पर फोटो आपको यहाँ पर छुपाना है, तो फोटो पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपके फोटो यहाँ पर आपकी गैलरी की ओपन हो जाएगी। फिर आपको जो भी फोटोज यहाँ पर हाइड करनी है बस उस पर क्लिक कर देना है। एंड नीचे दोस्तों यहाँ पर हाइड का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर ये हाइड होने लगा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हमने दो फोटो को यहाँ पर हाइड किया, दोनों फोटो हमारा यहाँ पर है, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको यहाँ पर वीडियो जो है हाइड करनी है, ठीक है, वीडियो दोस्तों हाइड करनी है तो आपको यहाँ से बैक आना है, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पर हम बहुत आसानी से आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से बैक आना है, फिर से आपको गैलरी के ऑप्शन पे या फिर यहाँ पर आपको वीडियोज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, आपको वीडियो पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से आएगा, तो प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड वीडियो के ऑप्शन पर आप लोग को क्लिक कर देना है। अब जितना भी आपके फ़ोन में वीडियोज़ रहेंगी ना, वो वीडियोज़ यहाँ पर हमें आ जाएंगी, देखने को मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसी पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, कोई एक वीडियो पे हम जो है हाइड करना चाहते हैं हम उस वीडियो पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पर हाइड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हाइड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फाइनली ये जो यहाँ पर वीडियो है वो हाइड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से बहुत आसानी से, जैसा आप देख सकते हैं ये वीडियो है, हमने इसे हाइड कर दिया। अब ये जो है वीडियो यहाँ पर अगर हम अपने गैलरी में से डिलीट करेंगे तो हमारा वीडियो यहाँ पर पड़ा रहेगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से इस तरीके से आप लोग जो है हाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों इसका नेम क्या है, तो आपको क्या करना होगा, अपने प्ले स्टोर पर आना है एंड दोस्तों प्ले स्टोर पर आने बाद आपको यहाँ पर लिखना है हाइड कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है हाइड कैलकुलेटर, इस तरीके से आपको यहाँ पर कैलकुलेटर इस तरीके से आपको लिख कर सर्च कर देना है। एंड दोस्तों जैसे ही आप लोग यहाँ पर सर्च कर देंगे ना, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर वो ऐप आएगा, जो दोस्तों यहाँ पर ऐप का फोटो कुछ इस तरीके से, मतलब जो आपको यहाँ पर देखने को मिला है ना, वो फोटो कुछ इस तरीके से है, मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, ये फोटो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका जो है लोगो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आसानी से आप लोग जो यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके बताएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिखा लिखेगा, बाय बाय।